आप पर काम का बहुत बोझ डाला हुआ है। आप चीफ मिनिस्टर थे तब भी आपके पास जितने पोर्टफोलियोज नहीं थे उससे ज्यादा पोर्टफोलियोज आपके पास है, और किसी भी स्टेट में दो सबसे बड़े पोर्टफोलियो होते हैं फाइनेंस और होम, ये तो आपके पास है ही, इसके अलावा पावर, उसके साथ में हाउसिंग प्रोटोकॉल वगैरह, वो सब तो बात की बात है, लॉ एंड जुडिशरी, यू नेम अ डिपार्टमेंट जो आपके साथ में, इरिगेशन भूल गया, इरिगेशन सात, छह से सात डिपार्टमेंट्स आपके पास में। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि सारा काम आपसे कराया जा रहा है लेकिन आपको पद नहीं दिया गया, आप मतलब ये सारा काम आपसे कराएंगे लेकिन चीफ मिनिस्टर कोई और रहेगा, क्या ये हम मान के चले, क्योंकि आप पर काम का सचमुच में बोझ है, उसके साथ में आप छह डिस्ट्रिक्ट के गार्डियन मिनिस्टर भी है, सो ऑलमोस्ट पूरी सरकार आप चला रहे हैं, इस तरीके से मैसेज जा रहा है। ऐसा है कि जो लोग गवर्नेंस को या गवर्नमेंट को बाहर से देखते हैं उनको ऐसा लगता है, चूंकि मैं चीफ मिनिस्टर रह चुका हूं इसलिए मैं ये जानता हूं कि अभी छह ही डिपार्टमेंट मुझे देखने पड़ते हैं, चीफ मिनिस्टर को सारे डिपार्टमेंट देखने पड़ते हैं, क्योंकि रूल्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से करीब करीब सारे डिपार्टमेंट्स की फाइल्स ये चीफ मिनिस्टर के पास जाती है। दूसरा, एज ए गार्डियन मिनिस्टर मुझे छह ही डिस्ट्रिक्ट देखने पड़ते हैं, चीफ मिनिस्टर को सारे डिस्ट्रिक्ट्स देखने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि चूंकि अभी हमारा मंत्रिमंडल का विस्तार बाकी है, तो मैं ये जो छह पोर्टफोलियोज मेरे पास है ये अभी एक प्रकार से जब तक विस्तार नहीं होता तब तक के लिए, विस्तार के बाद ये पोर्टफोलियो किसी और के पास जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार एक सामूहिक प्रयत्न होती है, और मेरे जैसा व्यक्ति जिसने सरकार चलाई है मैं ये मानता हूं कि हमारी सरकार में पोर्टफोलियो किसी के भी पास हो, किसी के भी पास हो, उसको यशस्वी करना, टू मेक हिम सक्सीड, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए छह पोर्टफोलियो हो, दस हो, दो हो या एक हो, मेरा हमेशा यह प्रयास रहेगा कि महाराष्ट्र में लोगों के हितों के जो विषय है वो हमारी सरकार बड़ी तेजी के साथ उसके निर्णय करे। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत बोझ मेरे ऊपर है, मैं तो ऐसा कहूंगा कि आई एम एंजॉयिंग।